नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। चर्चाओं की गलियों में एक आंकड़े पर जमकर चर्चा हो रही है। आंकड़ा यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पार करती हुई पांचवें पायदान पर पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार किया जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो चुकी है। यहां तक कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था को पार कर पांचवें पायदान पर पहुंची है, जिनका भारत कभी गुलाम था। बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा कौन कह रहा है। इस आंकड़े का भरपूर प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सच का एक सिरा पकड़कर झूठ बेचने की कहानी ही प्रचार कही जाती है। इसी प्रचार के दम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी हुई है। तो चलिए समझते हैं कि सच और झूठ क्या है, कहां तक इसे वाजिब माना जाए और कहां तक इसी आंकड़े को लेकर सरकार से सवाल पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का हाल इतना बदहाल क्यों है। केवल जीडीपी के आंकड़ों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगाना खुद को भ्रम में रखने की तरह होता है। इससे भारत की 141 करोड़ की आबादी की आर्थिक हैसियत का पता नहीं चलता। ब्रिटेन से तुलना करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की तुलना करते वक्त सबसे पहली बात यह जानने वाली है कि भारत की आबादी तकरीबन 141 करोड़ के पास पहुंच गई है और ब्रिटेन की आबादी महज 7 करोड़ के आसपास है। मतलब यह कि भारत की आबादी ब्रिटेन की आबादी की 20 गुना है। अब इस आधार पर देखा जाए तो जीडीपी पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े ज्यादा अच्छी तरह से यह बता सकते हैं कि भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की हकीकत क्या है। किस अर्थव्यवस्था में लोगों की जिंदगी ज्यादा बेहतर तरीके से गुजर रही है। नॉमिनल रेट के आधार पर देखें तो ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय $47,000 है और भारत की प्रति व्यक्ति आय महज $2,200 है। ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय भारत से 20 गुना ज्यादा है, यानी ब्रिटेन के एक नागरिक की आमदनी भारत के नागरिक के मुकाबले 20 गुना ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत दुनिया के 194 देशों के बीच 144वें पायदान पर मौजूद है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत एशिया के देशों के बीच 33वें पायदान पर मौजूद है। दुनिया के अमीर देशों के मुकाबले भारत की प्रति व्यक्ति आय 60 गुना कम है। अगर भारत के प्रति व्यक्ति आमदनी की यह हालत है तो जीडीपी के पांचवें पायदान पर पहुंच जाने का फायदा क्या। इसी आधार पर आप भारत और ब्रिटेन की गरीबी की तुलना कर सकते हैं। अगर भारत की प्रति व्यक्ति आय ब्रिटेन की तुलना में 20 गुना कम है, इसका मतलब है कि भारत में ब्रिटेन से ज्यादा गरीबी है। इसके साथ अगर आर्थिक असमानता के आंकड़े जोड़ दें तो पता चलेगा कि भारत की पूरी जीडीपी में बड़ा हिस्सा चंद अमीर लोगों का है। साल 2021 का आंकड़ा कहता है कि भारत के 10% अमीर लोगों के पास देश की कुल आय का तकरीबन 57% हिस्सा है और 50% गरीब लोगों के पास देश की कुल आय का महज 13% हिस्सा। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि भारत के 90% कामगार महीने में ₹25,000 से कम कमाते हैं। मतलब भारत के जीडीपी के गुब्बार में अमीरों का योगदान सबसे ज्यादा है। अगर अमीरों की बेतहाशा और नाजायज अमीरी हटा ली जाए तो भारत के जीडीपी का सारा गुब्बारा फट जाए। साल 2020 के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत की तकरीबन 19 करोड़ आबादी यानी ब्रिटेन की कुल आबादी की तकरीबन 3 गुनी आबादी कुपोषित है। पोषण के मानकों के आधार पर उसे पोषण नहीं मिल रहा, ढंग का खाना नहीं मिल रहा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हिसाब से देखा जाए तो भारत का स्कोर 60 के आसपास है जबकि ब्रिटेन का 80 के आसपास। यानी ब्रिटेन का हाल भारत से बहुत बेहतर है और भारत को ब्रिटेन तक पहुंचने में लंबा वक्त लगेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के मानकों को जोड़कर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाता है। इस मानक पर ब्रिटेन दुनिया के 189 देशों के बीच 13वें पायदान पर है और भारत दुनिया के 189 देशों के बीच 131वें पायदान पर है। बेरोजगारी के हिसाब से देखें तो पूरी दुनिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 60% के आसपास रहती है, मगर भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महज 40% के आसपास है। मतलब भारत की काम करने लायक आबादी
जो 100 करोड़ के आसपास है, इसमें से तकरीबन 40 करोड़ आबादी के पास किसी ना किसी तरह का काम है या वह काम की तलाश में है, और 60 करोड़ आबादी के पास या तो काम नहीं है या उन्होंने काम की तलाश ही बंद कर दी है। केवल यही आबादी ब्रिटेन की कुल आबादी की 8 गुनी है। इन आंकड़ों को ध्यान में रखकर सोचिए कि क्या वाकई भारत ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से आगे निकल चुका है? क्या वाकई यह कहकर ताली पीटने की जरूरत है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है? या सरकार से यह पलट कर पूछने की जरूरत है कि भारत की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर पहुंच तो चुकी है? यह गणित के तौर पर ठीक तो है, लेकिन आम लोगों की जीवन का क्या? शुक्रिया। अगर आपको हमारे वीडियो ठीक लगते हैं तो आप न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारे खबरों को पढ़ सकते हैं। हमारा फेसबुक और ट्विटर अकाउंट भी है, उसे आप लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज क्लिक।